गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स, ये तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। और ऑन एंड एवरेज माने तो प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट करने में लगभग एक सप्ताह लगा है। ठीक है, तो अब एक प्यारा सा टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, इसे भी हम एक सप्ताह में कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर को एक सप्ताह समय देंगे और पूरा मैथ का, जो कम्पिटेटिव मैथ का जो सिलेबस होता है, वो सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए, आज का आपका टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका पहला क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन को हम कवरेज करेंगे। और जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है वो सारा शॉर्ट मेथड सीखेंगे हम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के थ्रू ही और कुछ कुछ जो पॉइंट होगा मेन वो भी सीखेंगे, और एक दो फार्मूला होगा वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला क्या है, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो पढ़ा हुआ है आप लोग का। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है, जब एक होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, जब आपका दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम डायरेक्शन में, अगर इसका स्पीड ए है किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड बी किलोमीटर पर आवर है, तब दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिजल्टेड स्पीड होगा, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ए माइनस बी, मतलब जो बड़ा होगा माइनस छोटा वाला। ठीक है, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तब जो रिलेटिव स्पीड आएगा आपका क्या होगा, ए प्लस बी, इतना किलोमीटर या मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ रहेगा, या किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक और आप लोग पढ़े होंगे पहले से भी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होता है, 18/5 से। ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है, बस इसी से सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस द टेलीग्राफिक पोल। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए कोई टेलीग्राफिक पोल है। ठीक है, ये टेलीग्राफिक पोल को ट्रेन जो है वो पार कर रही है, क्रॉस कर रही है, ट्रेन है। तो ट्रेन का लंबाई आपका कितना है, 100 मीटर। किस स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है क्या, टेलीग्राफिक पोल को किस समय क्रॉस कर जाएगी, मतलब ये 100 मीटर कंप्लीट इसको पार हो जाना है, मतलब जो ट्रेन जो डिस्टेंस चलेगी, जो डिस्टेंस चलेगी वो जो ट्रेन का लंबाई होगा वही डिस्टेंस चलेगी ना, वो टेलीग्राफिक पोल को पार करने के लिए, टेलीग्राफिक पोल को पार करने के लिए जो ट्रेन की लंबाई होगा वही डिस्टेंस चलेगी, मतलब डिस्टेंस आपका क्या है, 100 मीटर है। स्पीड जो आपका दिया हुआ है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिस्टेंस आपका मीटर में है, 1 किलोमीटर पर आवर में है। पहले क्या यूँ चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूछ रहा है क्या टाइम लेगी, तो टाइम बराबर पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितना हो जाएगा 40 × 5, 18 रुपये चला जाएगा। ये आ गया कितना, मतलब आ जाएगा 9 सेकेंड। टाइम जो आएगी कितना, 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर पासेज अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। देखिएगा, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई पोल है, ठीक है। ये पोल को पार करने में ट्रेन जो है 20 सेकेंड लेती है, टाइम कितना ली, 20 सेकेंड। ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। अब देखिए, ट्रेन इस पोल को 20 सेकंड में पार करे इतना का स्पीड से, तो पूछ रहा है क्या इस ट्रेन का लंबाई क्या होगा, यही ना। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ पे स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्या करेंगे, 90 × 5/18 मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, यही ना, जो ट्रेन की लेंथ होगी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 25, टाइम 20, मतलब 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग पासेज अ ब्रिज इन 21 सेकेंड, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज का लंबाई क्या होगा, अब देखिएगा समझिएगा। ट्रेन का लंबाई दिया हुआ आपका 130 मीटर, 130 मीटर ट्रेन का लंबाई है। अब ये ट्रेन जो है किसको पास कर रही है, ब्रिज का, तो पूछा ब्रिज का लेंथ क्या होगा। तो ये मान लीजिए आपका ब्रिज है, ठीक है, यह ट्रेन जो है ब्रिज को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, टाइम कितना ली, 21 सेकंड। स्पीड कितना है ट्रेन का, 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कीजिए, कितना हो जाएगा, 90 × 5/18 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। अब यह ट्रेन जिसमें ब्रिज को क्रॉस करेगी, तब बताइएगा टोटल लेंथ कितना कंप्लीट करेगी। तब देखिएगा, ये तो आपका ब्रिज का है पहले लेंथ, ठीक है, जब ये क्रॉस करेगी ब्रिज को, तो ट्रेन भी तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तभी तो बोलेंगे ट्रेन क्या की है, ब्रिज को क्रॉस कर गई। मतलब टोटल लेंथ जो होगा आपका, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, ये हो जाएगा ना टोटल लेंथ। मतलब जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ आ जाएगा, यही ना। तब देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 25, टाइम कितना 21, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 525 मीटर आ गया। क्या इसका टोटल लेंथ, मतलब ब्रिज प्लस ट्रेन का, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ 130, तो ब्रिज का क्या हो जाएगा, 525 माइनस 130 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 593, 395 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 135 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 49 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। देखिएगा, पहले तो कह रहा कि ट्रेन जो 135 मीटर लंबा है, जिसका स्पीड इतना है, तो हाँ देखिए, ट्रेन का लंबाई है 135 मीटर,
135 मीटर, ठीक है, जिसका स्पीड दिया हुआ आपका 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इधर से कोई आदमी जो जा रहा है इधर से अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन जो है इधर क्यों मूव कर रही है और मैन जो है इधर क्यों मूव कर रहा है। ये आदमी का जो स्पीड आपका दिया हुआ है वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब बताइएगा जो आदमी का जो डिस्टेंस होगा, आदमी का जो लंबाई होगा, देखिए आदमी इस तरह से, तो इसका ये जो लंबाई होता है ना, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। इसका लंबाई हम लोग जीरो का मान लेते हैं, क्या जीरो। तो जब यह ट्रेन जो है इस आदमी को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ क्या होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा, आदमी का लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं जीरो, तो सिंपल जो ट्रेन का लेंथ होगा वही आपका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तब दोनों का स्पीड ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 49 प्लस 5, इतना किलोमीटर पर आवर, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ गया। अब जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, जो ट्रेन का लंबाई है वो कितना 135 मीटर है, और डिस्टेंस जो है आपका 135 मीटर है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा 54 × 5/18, मतलब जो स्पीड आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड आ गया, डिस्टेंस इतना है। तो पूछ रहा है टाइम क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, 15 इक्वल टू 9 सेकंड, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। मतलब सिंपल आप लोग को इतना सारा तो सॉल्व करना नहीं होगा, जिसमें एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्द जल्द कैलकुलेशन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना गया 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इतना आ गया, कितना चला 135, डायरेक्ट आंसर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 90 मीटर आर रनिंग इन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पहला भी ट्रेन इधर क्यों चल रही है, दूसरा भी ट्रेन इधर क्यों चल रही है। पहला ट्रेन का लंबाई जो है 110 मीटर है, दूसरा ट्रेन का लंबाई 90 मीटर है, बी द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आपका दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर, इसका दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल दे पास ईच अदर। अब देखिए एक दूसरे को पास करेगी, अब इसका रिलेटिव जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में जब जाती है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है कब एक दूसरे को पास करेगी, अब देखा जिस समय दोनों ट्रेन पास करेगी तो पहला ट्रेन जो है आपका 35 के स्पीड से चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, मतलब जो ट्रेन का लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक है। अब जो आपका 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रही थी वो कंप्लीट जब पास करेगी तो इससे आगे बढ़ेगी पूरे पूरे 90 मीटर, तभी ना कहेंगे कि कंप्लीट पास कर गई। ये आपका जो 110 मीटर का था और ये आपका कितना मीटर का, 90 मीटर का, मतलब पहला वाला ट्रेन जो है, पहला वाला ट्रेन को दूसरा वाला ट्रेन कंप्लीट पास करेगी, 110 मीटर पार कर जाएगी, तभी तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट पास कर गया सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितना चलेगा, 200 मीटर, डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। तो पूछ रहा है क्या टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करना होगा, 5/18 × 18 ऊपर हो जाएगा, 25 से 8 बार में आ जाएगा 144 सेकेंड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स
ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 175 मीटर रन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फास्टर ट्रेन क्रॉसेज द स्लोअर वन इन इतना सेकेंड। व्हेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन स्पीड सेम देयर इलियर स्पीड, जो पहले का स्पीड था सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दे पासेज ईच अदर कम्प्लीटली इन इतना सेकेंड। स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन क्या है? देखिएगा आप लोग क्या पढ़े हैं, जो टाइम बराबर क्या होता है, इसमें भी रिलेटिव स्पीड का कहानी है क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या पढ़े हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, अब देखिए डिस्टेंस दो ट्रेन मूव करेगी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में करेगी तो एक्स माइनस वाई, कब सेम डायरेक्शन में करेगी तो, नहीं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेगी तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, यही पढ़े हैं। अब देखिएगा इसी से ये क्वेश्चन आपका आसान तरीके से सॉल्व होगा। देखिए तो पूछ रहा है दोनों का स्पीड क्या होगा, यही ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड बराबर क्या लिखेगा आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का स्पीड हमें पता नहीं है तो पहला ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं एक्स था, दूसरा का मान लेते हैं वाई। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब एक्स माइनस वाई जो रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना चली है, तो 200 कंप्लीट पार करेगी ना, तो 200 प्लस 175 कितना आ जाएगा, 375 अपॉन टाइम कितना ली है, इतना सेकेंड में कंप्लीट पास कर गई तो आ गया 75/2, मतलब 75 ऊपर में इंटू 2 5 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कब, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। अब देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलेगी, 375, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस 375 ही हो जाएगा। और स्पीड सॉरी टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 7/1/2, मतलब 15/2, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 15×25, मतलब आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों का स्पीड को घटाएं तो आया 10 मीटर पर सेकेंड और जोड़ें तो कितना आया, 50 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है दोनों ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अब दोनों को सोल्व करते हैं, देखिएगा दोनों दो इक्वेशन मिल गया ना, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों को सोल्व करेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो गया तो 2x = कितना आ गया, 60, x = कितना आ गया, 30, x 30 आ गया तो 22 कितना आ जाएगा, 10 घटाएंगे तो 20, 30 और 20, मतलब आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट इतना किलोमीटर पर आवर एंड इतना किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। देखिए दोनों ट्रेन का लंबाई क्या इक्वल है, आपका स्पीड दिया हुआ, रिलेटिव स्पीड भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, तो पूछ रहा है लेंथ, तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना दोनों ट्रेन का, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस ए प्लस बी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कहानी है, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, यही ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम लिया कितना, 36 सेकेंड, लेकिन जो स्पीड है आपका किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, इसे भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, 5/18, 8 से 2 बार में कितना आ गया, 100, मतलब जो दोनों डिस्टेंस का जो लंबाई होगा टोटल कितना, 100 मीटर। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लंबाई बराबर है तो मतलब दोनों कितना कितना मीटर का होगा, 50-50 मीटर का, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 22 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पास ईच अदर इन 1 मिनट। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 125 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन? देखिए सेम टाइप का फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी, दोनों ट्रेन का लंबाई बराबर। रिलेटिव स्पीड का कंडीशन इसमें है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इनटू टाइम यही होता है। तो एक ट्रेन का लंबाई आपका दिया 125, तो पूछ रहा है दूसरा ट्रेन का लंबाई क्या होगा। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 22 मतलब 18। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, मिनट को हम सेकेंड में करते हैं तो 60 सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 कैंसिल। बी इक्वल टू आ गया 300 माइनस 125, आंसर 175। दूसरा ट्रेन की लंबाई 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन 130 मीटर एंड 110 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास अदर कंप्लीटली। इफ दे मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे पासेज ईच अदर कंप्लीटली इन 3 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन। मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन है सेम टाइप का। क्या था, दोनों ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है तो पूछ रहा है स्पीड क्या होगा, यही ना। मतलब रिलेटिव स्पीड का कहानी है इसमें भी। तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम, यही ना। सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड घट जाएगा एक्स माइनस वाई। दोनों ट्रेन का लंबाई का जोड़ कितना हो जाएगा, 240। टाइम कितना है, 1 मिनट, सेम डायरेक्शन में जा रही थी, 1 मिनट मतलब 60 इक्वल टू कितना आ गया, 4। अपोजिट डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई, दोनों ट्रेन की लंबाई 240, अपोजिट डायरेक्शन टाइम कितना, 3 सेकेंड मतलब 80। सोल्व करते हैं, बाय बाय कैंसिल, 2x दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, 2x इक्वल टू आ गया 84, x इक्वल टू आ गया 42। देखिए 42 किस में है, 42 38 36 40 36 एक मिनट, x इक्वल टू आया 42। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। देखिए 38 किस में है, ऑप्शन में इसमें गलती, यहाँ पे 42 और 38 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल ट्रेन, आइडेंटिकल का ट्रेन कहने का मतलब हुआ सेम लेंथ का ट्रेन है, ठीक, दोनों का लंबाई सेम है। ए एंड बी रनिंग अपोजिट डायरेक्शन एट सेम स्पीड टेक 2 मिनट्स टू क्रॉस द ईच अदर कंप्लीटली, ठीक है। द नंबर ऑफ बोगीज ए आर इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 to 16, हाउ मच मोर टाइम वुड दे नाउ रिक्वायर टू क्रॉस ईच अदर। देखिएगा आइडेंटिकल ट्रेन है तो सिंपल आप लोग क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस सेम टाइप का है, कितना कितना बोगी का है, अच्छा सेम टाइप का है, पहले आप ये देखिए ना, ऐसे देखिए आप इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बोगीज ए आर इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 to 16। पहले से तो कहा हुआ है यहाँ पे कि आइडेंटिकल ट्रेन है, मतलब दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है ए और बी का, मतलब जितना बोगी ए में था उतना ही बोगी बी में भी है। तो पहले से ए में बोगी कितना था, 12, तो 12 बोगी ए में भी है तो 12 बोगी बी में भी है, मतलब टोटल हो गया 24 बोगी। मतलब 24 बोगी को पार करने में उसको रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है, नहीं, रिलेटिव स्पीड लिख दीजिए, इनटू कितना टाइम लगा था, 120 सेकेंड लगा था, 120 सेकेंड यही ना, मतलब 24 बोगी को पार करने में 120 सेकेंड लगा। तो पूछ रहा है क्या, द नंबर ऑफ बोगीज ए आर इंक्रीज फ्रॉम 12 to 16, सिर्फ बोगीज ए को इंक्रीज किया, मतलब बी में जो 12 बोगी है 12 ही बोगी है,
लेकिन ए वाला को इंक्रीज कर दिया 12 से 16 कर दिया, मतलब 4 बोगी और बढ़ा दिया। तो 4 बोगी और बढ़ा दिया मतलब 28 बोगी हो गया। तो 28 बोगी पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक बोगी पार करने में कितना समय लग जाएगा? 120/24 मतलब 5। तो 28 बोगी पार करने में 5 × 28 मतलब 140, 140 सेकेंड। कह रहा है क्या? हाउ मच मोर टाइम, और कितना ज़्यादा समय लगेगा? पहले से कितना लग रहा था? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड पहले से लग रहा था, 20 सेकेंड और ज़्यादा लगेगा। आंसर बी। मतलब सिंपल ये क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते थे कि ए और बी में नंबर ऑफ बोगीज क्या है? सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। तो ए का नंबर ऑफ बोगीज को इंक्रीज किया, 12 से 16 कर दिया, मतलब पहले से 12 बोगी इसमें भी था और 12 बोगी इसमें भी था। तो मतलब 24 बोगी को पार करने में पहले से जो समय लग रहा था वो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। तो एक बोगी को पार करने में कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड। तो नंबर ऑफ बोगीज कितना बढ़ा दिया? सिर्फ ए का बढ़ाया, 12 से 16 मतलब 4 बोगी बढ़ा दिया। तो 4 बोगी पार करने में कितना सेकेंड और लगेगा? 20 सेकेंड। आंसर आ गया बी। इस तरह से बना सकते हैं। रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ पोल इन 24 सेकेंड लेस देन द टाइम इट रिक्वायर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ एट द सेम स्पीड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? एक पोल को पार करने में जितना समय ट्रेन को लगता है, मान लीजिए समय लगा टी, इससे 24 सेकेंड ज़्यादा लगता है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। समय लगता है T+24 किसको? एक ट्रेन को पार करने में। ठीक है, मतलब पोल को पार करने में समय लगा T, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग रहा है T+24 24 सेकेंड ज़्यादा। ठीक है, कह रहा है क्या? जो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो थ्राइस इट्स लेंथ है, मतलब ट्रेन का लंबाई से 3 गुना है। तो ट्रेन का लंबाई अगर x मानते हैं तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। स्पीड आपका ट्रेन का दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो जाएगा? x/20। यहाँ से जो टाइम है T+24, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्रॉस करेगी तो 3x+x 4x अपॉन स्पीड 20, जो ट्रेन का स्पीड है। यहाँ से टी का वैल्यू कितना आया? x/20, वैल्यू पुट कीजिए, x/20+24 इक्वल टू 4x/20। x/20 को इधर लाकर माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा? 3x/20 इक्वल टू 24, एक्स इक्वल टू 160, मतलब जो ट्रेन का लंबाई होगा वो 160 मीटर। आप इसे दूसरा तरह से बना सकते हैं। सोचिए अब 1 मीटर पार करने में, ठीक है, समय लग रहा था कितना? टी। अब जब 4x मीटर पार करना पड़ा, समय लग रहा है कितना? T+24 मतलब 24 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है, 24 सेकेंड ज़्यादा। कितना दूरी ज़्यादा पार करने में? 3x दूरी पार ज़्यादा करने में समय कितना लग रहा है? 24, समय 24। तब देखिएगा यहाँ से कि 3x का डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, उसको जो समय लग रहा है 24 सेकेंड लग रहा है। कितना का स्पीड से जा रही थी ट्रेन? 20 के स्पीड से, 20 × 24, 3 से 8 बार में x इक्वल टू 160। इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन मूव फ्रॉम द स्टेशन ए एंड स्टेशन बी टुवर्ड ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर एट द मीटिंग पॉइंट द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड ट्रेन फेल्ट डेट द ट्रेन हैज कवर्ड 120 किलोमीटर मोर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड स्टेशन बी? देखिए, ये स्टेशन ए आपका, ये स्टेशन बी है आपका। एक ट्रेन इधर से मूव कर रही थी, दूसरा ट्रेन इधर से मूव कर रही है।
इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे पर कहीं जाकर मिलेगी, दोनों ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पे मिली, ठीक है, तो इस ड्राइवर को यह पता चला कि हम जो है पहले वाले ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर लिए हैं, है ना, लिखा हुआ है द ट्रेन हैज कवर्ड 120 किलोमीटर मोर। तो दोनों एक ही समय पे चलती है, तो मान लेते हैं कि टी टाइम ये भी चला, तो ये दूरी कवर कितना करेगी, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 60 टी। ये दूरी कवर कितना करेगी, 50 टी। इससे क्या मालूम चला कि हम 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर लिए, किससे, इससे, मतलब दोनों का अंतर कितना, 120। 10 टी का वैल्यू आ गया 120, टी का वैल्यू आ गया 12। पूछ रहा है क्या डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी, दूरी कितना है, तब देखिए 50 टी ये भी चला तो यहाँ पे आकर मिला, 60 टी ये चला तो यहाँ पे आके मिला, मतलब 50 टी प्लस 60 टी, यही ना, टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 50 टी प्लस 60 टी टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। टी कॉमन ले लीजिए, 50 प्लस 60 110, मतलब 12 × 110 इक्वल टू 1320, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, अदर वन वॉक 5.4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4.5, 5.4, द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसको पार करने में ट्रेन को लग रहा है 8.4 सेकेंड और इसे पार करने में ट्रेन को लग रहा है 8.5 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। देखिए इधर से ट्रेन जा रही है, यहाँ पे पहला आदमी और यहाँ पे आपका दूसरा आदमी है, ठीक है, ये आदमी का स्पीड आपका दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये आदमी का स्पीड दिया हुआ है 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन के द्वारा जो समय लगा वो 8.4 सेकेंड और ये आदमी को क्रॉस करने में जो समय लगा वो 8.5 सेकेंड। आगे रिलेटिव स्पीड का कहानी आ गया इसमें भी, तो पूछ रहा क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या है, तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर है, यही ना, दोनों तो सब कंडीशन में सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ए प्लस बी अपॉन टाइम, टाइम यही होता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4.5 हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस मान लेते ए है, ए बी ये लंबाई का, ये जो आदमी का डिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं हमेशा जीरो, ये क्या मानते हैं हमेशा जीरो, ए अपॉन समय कितना लगा इसे 8.4, 8.4, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 8.4 इंटू एक्स माइनस 4.5। सेकेंड कंडीशन में एक्स माइनस 5.4, इसके लिए रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस कितना जाएगा ए आ जाएगा, टाइम कितना लिया 8.5, मतलब यहाँ से जो ए का वैल्यू आएगा वो 8.5 इंटू एक्स माइनस 5.4 यही होगा। अब दोनों का दूरी क्या है, लेंथ क्या है ट्रेन का, इक्वल है, ये दोनों को हम इक्वल करते हैं, अब देखिएगा आ गया 8.4 इंटू एक्स माइनस 4.5 इक्वल टू 8.5 इंटू एक्स माइनस 5.4, यही ना, इसे अब सॉल्व करते हैं, 8.4 एक्स
-8.4 इंटू 4.5 इक्वल टू 8.5x -8.5 इंटू 5.4 हो जाएगा। इसे इधर लाते हैं, इसे इधर लाएंगे। जब इसे हम इधर लाएंगे देखिएगा, तो 8.5 इंटू 5.4 -8.4 इंटू 4.5 इक्वल टू 8.5x -8.4x। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन क्या हो जाएगा, 8.5 इंटू ये हो जाएगा 0.6 -8.4 इंटू ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 0.1x। ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट, एक पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 8.5 इंटू 6 तो 8 कितना हो जाएगा, 5 6 33, 51 ये आ जाएगा 42 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आ गया 81 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया डी। अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, द फर्स्ट वन वॉक्स 4.5 किलोमीटर पर आवर, अदर वन वॉक 5.4 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम, वाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। मतलब ट्रेन भी यही डायरेक्शन में जा रही है तो आदमी भी जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहला आदमी का आपका स्पीड दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आदमी का स्पीड दिया हुआ है 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये आदमी को पार करने में जो समय लगा ट्रेन के द्वारा 8.4 सेकेंड, और ये आदमी को पार करने में जो समय लगा ट्रेन के द्वारा 8.5 सेकेंड। तो बताइएगा दोनों ट्रेन, ये ट्रेन को दोनों आदमी को पार करने में कितना समय लगा, तो दोनों का टाइम घटाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड पार में ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो जो ये दोनों आदमी का जो बीच का दूरी आएगा क्या डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, जो डिस्टेंस आएगा वो कौन कवर किया, ट्रेन किया। यही डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लगा 0.1 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना चला ट्रेन, 8.5.4 इंटू 8.5 -8.4 इंटू 4.5 इक्वल टू स्पीड कितना, स्पीड निकालना है एक्स इंटू टाइम कितना 0.1 सेकेंड। यहाँ से एक पॉइंट 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 कैंसिल, 9 कॉमन लीजिए आ गया 6 इंटू 8.5 -8.4 इंटू 5 इक्वल टू एक्स, 9 इंटू कितना जाएगा 51 -42 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 81 किलोमीटर बराबर, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड, इफ आल्सो पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिएगा ट्रेन जो ट्रेवल कर रहा था 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीटली क्रॉस द अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ। मान लेते कि इसका लंबाई 2x था, तो दूसरा ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है उसका लंबाई कितना है x, और ये ट्रेन का जो आपका लेंथ जो आपका स्पीड दिया हुआ है कितना है 42 किलोमीटर पर आवर, कितना सेकंड में पार किया 12 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम,
तो दो ट्रेन का कहानी है, तो टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, समय कितना लगा 12 सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, 8 से 5 बार में, ए का वैल्यू 2x, अब बी का वैल्यू आपका x है क्योंकि हाफ इट्स लेंथ है, तो मतलब 3x इक्वल टू 25 × 12, 3 से 4 बार में, x इक्वल टू आ गया आपका 100, ठीक है, इसका लेंथ आपका 200 मीटर, इसका लेंथ आपका 100 मीटर। इट आल्सो पासेज, मतलब जो ट्रेन जा रहे थे 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यही ट्रेन जो है पासेज है रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, मतलब जो आपका 200 मीटर लंबा जो ट्रेन थी, 200 मीटर लंबा, वो प्लेटफॉर्म को पास कर जाती है कितना सेकेंड में, 45 सेकेंड में। इसका स्पीड तो दिया हुआ 48 किलोमीटर पर आवर, पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इसका लंबाई क्या होगा, यही ना। देखिए तो 200 प्लस 6 टोटल डिस्टेंस, स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18, टाइम 45, 9 2 9 से 5, 2 से 24, 24 × 5 120, मतलब 600, तो x इक्वल टू 400, जो आंसर आएगा वो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू सीज अ ट्रेन पासिंग ओवर अ 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ द डेट ऑफ इट्स ब्रिज, मतलब जो ब्रिज का जो लंबाई है, ब्रिज का लंबाई अगर जो मान लेते हैं 2x है, तो जो ट्रेन का लंबाई है, ट्रेन का लंबाई वो कितना x। इफ द ट्रेन क्लियर्स द ब्रिज इन 2 मिनट, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका ट्रेन ब्रिज का लंबाई दिया हुआ है, देखिएगा ब्रिज का लंबाई आपका दिया हुआ है 1000 मीटर, तो ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा 500 मीटर, जब इसको क्रॉस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500 इंटू स्पीड, स्पीड पता करना है, टाइम कितना लिया 120 सेकेंड, अब इसे कट करते हैं 12 से, बारह से कितना बार में आ जाएगा ये, सॉरी x इक्वल टू लिख दीजिए 150/12, इतना मीटर पर सेकंड, करना है क्या किलोमीटर पर आवर में, क्या करेंगे 18/5 से गुना, 6 से 2, 6 से 3, 5 से 30, 90/2 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर, आंसर सी। मैन सिटिंग इन द ट्रेन ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स डैट इट टेक्स 9 सेकेंड फॉर द गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू पास हिम, आप पास किसको कर रहा है, सिर्फ आदमी को, ठीक है। देखिए ये जो ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ था, ट्रेन का स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, यह आदमी जो ऑब्जर्व किया गया, क्या किया कि हमें जो एक गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो जो पार हमें किया कितना सेकंड में, 9 सेकंड में, और गुड्स ट्रेन का मालगाड़ी का जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 187.5 मीटर है, तो पूछ रहा है इसका स्पीड क्या होगा, तो मान लेते हैं स्पीड x किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 50 प्लस 6, टोटल डिस्टेंस, अब बताइए डिस्टेंस क्या होगा, ये आदमी सिर्फ ऑब्जर्व किया ना, सिर्फ ये जो ट्रेन जो पार किया किसको किया, आदमी को, आदमी को ऑब्जर्व, सिर्फ आदमी ऑब्जर्व किया, लिख रहा है टू पास हिम, सिर्फ आदमी को पास कर रहा था, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ मालगाड़ी का जो दूरी है वही होगा जो लेंथ है, तो 187.5, टाइम कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड,
अब ये आपका 50+F जो है वो क्या चीज़ में है, किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि ये मीटर में भी है ये सेकंड में भी है, इंटू 5/18, 9 से 2 बार में कितना आ गया, 50+X इंटू 5 = 10, 15, 36, 37। तो 5 से कट कीजिए, 5×35 75, X = कितना आ गया, 25 किलोमीटर बराबर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेन कंसिस्ट 12 बोगीज, इच बोगीज और 15 मीटर, द ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 18 सेकेंड। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 2 बोगीज आर डिटैच्ड, द ट्रेन नाउ क्रॉस द टेलीग्राफ पोस्ट इन। देखिए पहले से कितना बोगीज था, 12 बोगीज, प्रत्येक का लंबाई 15, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा ट्रेन का, मतलब टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 12 × 15 180 मीटर का ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। अब इतना लंबा जो ट्रेन है 180 मीटर, ये टेलीग्राफ पोल पार करने में कितना सेकंड लगाया, 18 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन का लंबाई पता चल गया क्या, जो 180/18, 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन का लंबाई। अब कह रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम के कारण 2 बोगीज को हटा दिए, अब बच गया कितना बोगीज, 10, 10×15, अब ट्रेन का लंबाई हो गया 150, स्पीड तो आपको वही है 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या लेगा, 150/10 मतलब 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, टू ट्रेन्स आर 2 किलोमीटर, ये देख लीजिए दो ट्रेन है 2 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का दूरी जो है 2 किलोमीटर है, लेंथ इसका आपका 200 मीटर है और इसका लेंथ 300 मीटर है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड इच अदर विद द स्पीड ऑफ, इसका स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड आपका 30 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस इच अदर। अब बताएगा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 200 + 2000 + 300 मतलब 2500 मीटर, रिलेटिव स्पीड, स्पीड जुड़ जाएगा, बटा 50, आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेकेंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये देख लीजिए, अ मैन इन द ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट एट व्हाट स्पीड ट्रेन इज ट्रेवलिंग। देखिए टोटल 21 पोस्ट है, तो आप लोग बताइएगा अगर 3 पोस्ट रहेगा तो कितना की दूरी रहेगा, अगर एक पोस्ट का दूरी 50 है तो 3 पोस्ट में कितना हो जाएगा टोटल दूरी, 50 50 100, मतलब जो गैप बनेगा टोटल गैप कितना बनेगा, दो ही गैप बनेगा 3 में। तो ठीक उसी तरह से 21 टेलीफोन पोस्ट है तो टोटल गैप कितना होगा, टोटल गैप 20 होगा, और एक गैप का बीच का दूरी कितना है, 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 × 50 मतलब 1000 मीटर, यही ना, और क्या बोल रहा है, अब ये 1000 मीटर को पार करने में कितना समय लगा, 1 मिनट, टाइम दिया हुआ 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड, पूछ रहा है स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस 100 1000, टाइम 60, सब आपका किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, करते हैं 18/5 से गुना, 5 से 200, 20 से 3, 20 से 10, 3 से 6 मतलब 60 किलोमीटर बराबर, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू,
और ठीक इसी टाइप का फिर अगला क्लास में और टाइम एंड डिस्टेंस से ही नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, मतलब जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है? थैंक यू।